और विजय चौक में हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं कुमार विक्रांत। विक्रांत, आज राज्यसभा में जैसा कि हम देख रहे हैं, सुबह से ही जब से कार्रवाई वहां की शुरू हुई है, हंगामा भी साथ ही साथ शुरू हो गया है। अब 4 बजे तेलंगाना बिल पेश किया जाएगा, कितना मुश्किल या फिर कितना आसान यूपीए के लिए वहां पर पास करवाना? देखिए, आसान तो कतई नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा में पास हुआ, कुछ उसी तरीके के तेवर अंदाज राज्यसभा में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो सरकार के मैनेजर हैं, रणनीतिकार हैं, उनका कहना है कि हमने अगर लोकसभा में पास कराया है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको हम राज्यसभा में भी पास करा लें। लेकिन अहम बात यह है कि अगर कहीं बीजेपी संशोधन लेके आती है तो फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि उसको राज्यसभा में पास कराने के बाद एक बार फिर लोकसभा में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार की कोशिश यही है कि बीजेपी से बात करके बात बन जाए और जो संशोधन लोकसभा में आए हैं उन्हीं के साथ राज्यसभा में भी पास हो जाए। लेकिन जिस तरीके से टीडीपी के सांसद रमेश ने मैन हैंडलिंग की, लोकसभा के राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर सदन के भीतर आसानी से पास होने वाला नहीं है। हंगामा जरूर होगा। टीडीपी के सांसद हों या जो तेलंगाना के अलावा जो सांसद है सीमांध्रा और रायलसीमा के, वो निश्चित तौर पर उतना ही हंगामा करेंगे जितना उन्होंने लोकसभा में हंगामा किया। बिल्कुल विक्रांत, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने अब से कुछ देर पहले कमलनाथ ने यह बात कही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकसभा में बीजेपी इसका समर्थन करे और वहां पर पास कराने में तेलंगाना बिल को वहां पर समर्थन दे और राज्यसभा में फिर अड़ंगा लगाए, तो आखिर समर्थन ये किस तरह का? जी हाँ, बिल्कुल, सरकार की और कांग्रेस की यही कोशिश है कि बीजेपी जो ऐलानिया तौर पर कह चुकी है कि हम समर्थन कर रहे हैं, वो समर्थन कर दे, कहीं पर उसकी लाइन में कोई बदलाव ना आए। तो शायद यही वजह कि रणनीतिकार बढ़ चढ़कर, खासकर कमलनाथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, बढ़ चढ़कर ये बात बोल रहे हैं कि आपने लोकसभा में पास कराया तो आप यहाँ भी पास करा दीजिए। ये एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन सरकार के माथे पर ज़रूर आप देखेंगे बल पड़े हुए हैं और सरकार के रणनीतिकार लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए और अब ये बिल राज्यसभा में पास हो जाए और तेलंगाना एक हकीकत के तौर पर सामने आए।